अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वजीहास कुकिंग वी लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में? मैं भी अलग कर्म से बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो का, वो है वेट लॉस के हवाले से टिप एंड टेक्निक्स। अच्छा जी, लास्ट जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी ना, उसमें मैंने अपना डाइट प्लान शेयर करा था आपके साथ, जिस तरह से मैंने वेट कम करा, ठीक है। उस पर कुछ लोगों के कॉमेंट्स ये थे कि इतना स्ट्रिक्ट, मतलब इतनी मुश्किल से करेंगे, और एक कमेंट ये था कि मेरा तो वेट कम ही नहीं होता, मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा, ये दो मुझे कमेंट्स थोड़े ऐसे लगे कि ये शायद हर एक की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग अपनी बात शेयर कर देते हैं और कुछ लोग तो शेयर करते ही नहीं हैं। कुछ लोग वेट कम करना चाहते हैं लेकिन करना कुछ भी नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हम सोच के ही वेट कम कर लें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से वेट लॉस करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, मैंने जो डाइट प्लान दिया था वो मेरा डाइट प्लान था, वो मैंने फॉलो कर लिया, वेट कम कर लिया। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा करें, सबसे पहले टेक्निक, आप जितना भी खाना खाते हैं ना, आप उसको आधा आधा करता जाएं। लाइक अगर आप सुबह नाश्ते में दो ब्रेड या तीन ब्रेड स्लाइसिस खाते हैं तो आप उसको डेढ़ कर दें। एक अंडा खाते हैं तो चले अंडा आपको इजाज़त है, एक कप चाय पीते हैं तो आधी कर दें, सबसे पहला काम ये। उसके बाद अगर आप कुछ दोबारा से खाने की तलब होती है ना, तो वहाँ पे आप कंट्रोल करें, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, आप नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाना है। हाँ, अगर खाना है तो हेल्दी चीज़ पे जाना है, मुझे फ्रूट्स खा लेने, ठीक है जी। ये हो गया दोपहर का खाना। दोपहर का खाना खूब रच बस के खाया जाता है अमूमन घरों में, दाल चावल तहरी खिचड़ी। दोपहर का खाना नहीं खाना है, मैंने पहले भी कहा था, दिन में सिर्फ दो मील्स लेने हैं, सुबह का और रात का। दोपहर का खाना नहीं खाना है। अब क्या करें, आप तो नए नए वेट लॉस करना शुरू हुए हैं ना, हम कैसे कंट्रोल कर लें? तो आपको यहाँ पे करना कुछ ये है कि जो है ना, आपने दोपहर के खाने में, मैंने अक्सर अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाया था, मैं पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, तो मैंने छोटी सी प्याली ले ली मीठे की, उसमें चावल ले लिए जो घर के बने हुए हैं, दाल वगैरह सब्जी सालन जो भी था वो ले ली, और बहुत सारा खीरा ले लिया। महंगाई बहुत है, सच बात है, लोग तरह तरह की सब्जियां भी नहीं ले पाते, सब्जियों के रेट भी कम नहीं है, तो आप खाली खीरा तो ले सकते हैं, खीरा ले लिया, बंद गोभी ले ली, आपका वेट कम करने में अच्छा फ़ायदा देती है बंद गोभी। खीरे में फाइबर होता है, तो फाइबर तो आपको अपने हर प्रोपोर्शन में हर मील में लेना है, ठीक है जी। खीरा ले लिया, उसको बारीक काटे, हर पहले वैसे क्या होता है, हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, कितनी बड़े बड़ा सैलेड होता है, तो वो तो उन्होंने सजाने के उससे रखा हुआ होता है ना, एक प्रेजेंटेशन के हवाले से रखा हुआ होता है, हमें ये नहीं करना, हमें कचूमर सैलेड बारीक वाला बनाना है, ठीक है। खाने को हद से ज़्यादा चबा के, जैसे सुन्नत तरीका है ना, खाने को ठहर ठहर के चबा कर खाओ, उससे इतना आप चबाएंगे जब तक तो आपकी अगले निवाले की तलब हल्की सी कम होगी, फिर उससे अगले की कम होगी, तो पेट जल्दी भर जाएगा। सुन्नत पे फॉलो करेंगे ना, सुन्नत भी तो यही है ना कि ना मतलब थोड़ी सी भूख छोड़ के खाना खाओ, यहाँ तो हलक तक पेट भर जाता है तो उसके बाद भी सोचते हैं कि शायद कुछ खा लें। एनीवेज, ये एक मजाक था, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं शाम की बारी, उसमें आप तले हुए समोसे और रोल्स और खूब चटपटे और फ्रेंच फ्राइज, इस चीज़ को स्किप करें, इसको शुरू से ही कंट्रोल करें कि मुझे ये नहीं खाना। और जो लोग ये नहीं खाते वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो फिर मीठा अगर खा रहे हैं, जैसे मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल करें। यहाँ तो आप कर सकते हैं ना, चलो खाने पर नहीं हो रहा, घर का पका हुआ खाना है ना, बेशक आप खाएँ। ये हो गया यहाँ पे शाम का, आपने चाय ले ली, उसके साथ कोई दो बिस्किट्स ले लिए, वो भी ऐसे देखिए कि उसमें कितनी मिठास है, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। पॉपकॉर्न खा सकते हैं आप लोग, मकई खा सकते हैं आप लोग, और बॉयल चना चाट खा सकते हैं, ये शाम के लिए रख लें। रात का खाना मैं अलाउ है, एक चपाती आप खा सकते हैं, एक चपाती खाएं, छोटे साइज़ की सालन खाएं, और चपाती नहीं खा रहे तो चावल खा लें। अगर दोनों चीज़ें खानी है तो छोटी से भी छोटी चपाती बना लें और एक छोटी प्याली चावल ले लें, चिकन का पीस ले लें, जो भी ले लें, ठीक है। ये हो गई हमारा वेट लॉस का शुरुआत, ज़रूरी नहीं है आप मेरे ही उससे चलें, ये हमारी शुरुआत हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारी यहाँ जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि हम ना एक्सरसाइज नहीं करेंगे वेट बढ़ जाता है, तो कि कैसा कॉन्सेप्शन है मुझे समझ नहीं आता कि मोटापा बेसिकली एक बीमारी है। किसी भी बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं, उसको बीच में से छोड़ देंगे तो वो भी तो वेट बढ़ाएगी ना आपका, तो फिर एक्सरसाइज अगर छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा,
लेकिन आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप बेतहाशा मशीनें कर रहे हैं और वो छोड़ देंगे तो जितना वेट आपने कम किया है ना उससे डबल बढ़ेगा। ये मैं मशीनों की बात कर रही हूँ। फिर आ जाती है एरोबिक, आ जाती है हमारी, फिर हमारी आ जाती है एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, मैनुअल एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, योगा आ जाता है हमारा, स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रेचिंग आ जाती है, ये सब आ जाएगी ना। ये जब आप ये करेंगे ना तो इससे आपके वेट जो कटेगा, एक तो आप डाइटिंग के दौरान अगर ये करेंगे तो आपका वेट तेज़ी से कम होगा। और मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो कहते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग तो कर सकती हूँ, मुझे बता दो मैं फाका कर लूँगी, पर मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, तो आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग एक ना एक दिन तो तंग आके छोड़ेंगे ना। कितने दिन कर लेंगे उससे डबल ट्रिपल वेट बढ़ेगा। डाइटिंग खाली आपका वेट गिराएगी, वेट और जो है ना मतलब एक्सरसाइज के साथ आपका फैट गिरेगा। वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क होता है। तो फिर समटाइम ऐसा होता है हमारा वेट नहीं जा रहा होता है एक्सरसाइज मशीन पे, लेकिन हमारे इंचेस जा रहे होते हैं। तो वो इंचेस क्यों जा रहे होते हैं, वो जो हमारे जिसम में एक्स्ट्रा फैट है ना, वो फैट कट रहा होता है हमारी एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज वाले को अक्सर ये आता है कि ना भाई हमारा वेट कम नहीं हो रहा, इंचेस कम हो रहे हैं। तो क्यों नहीं होंगे, अच्छी बात है, इंचेस तो कम हो रहे हैं, आपका फैट कम हो रहा है। खाली डाइटिंग से आपका वेट तो कम होता है लेकिन आपकी बॉडी में कोई शेप नहीं होता, आप बिल्कुल पुरकशिश नहीं लगते, आपका पेट वहीं लटका रहता है, आपके बाजू वैसे लटके लटके से रहते हैं, कोई शेप नहीं आते। हाँ, अगर आप थोड़ी सी मैनुअल एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो आपके बॉडी में शेप अच्छा आएगा। जब आप एक्सरसाइज भी छोड़ देंगे, एक वक्त आएगा और अब कभी ना कभी तंग आके आप ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट यानी कि आप डाइट प्लान भी नहीं किसी चल रहे होंगे, नॉर्मल खाने पर आ जाएंगे, तो आपका अगर वेट बढ़ेगा भी ना, बढ़ेगा भी तो आपकी बॉडी बुरी नहीं लगेगी क्योंकि वो टोटली शेप में होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे दोबारा से बात करेंगे। बहुत अच्छा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।